नमस्कार दोस्तों, मैं ना विनीत, तो स्वागत है आप सभी का आकृति इंडस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ साउथ इंडियन, चाइनीज और इंडियन का सेटअप। इसके अंदर आपको दिखाएंगे कि एक स्मॉल बजट के अंदर हम कैसे एक इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज सेटअप कर सकते हैं। और मतलब छोटे जैसे होता है एक रेस्टोरेंट, छोटा होटल होता है, मतलब 20-30 लोगों की गैदरिंग के हिसाब से, उसके हिसाब का एक सेटअप आपको मैं दिखाने वाला हूँ। इसमें कुछ आइटम अभी मिसिंग आउट है, क्योंकि वो जो है उनके पास ऑलरेडी है, पर ड्राइंग के लेआउट के अंदर वो आपको दिख जाएंगी। मैं आपको लेआउट भी समझाऊंगा कैसे लेआउट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ साउथ इंडियन कुकिंग रेंज। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारी डोसा हॉट प्लेट है, जिसपे आप डोसा भी बना सकते हैं और पराठे रोटी वगैरह जो बनानी है वो भी आप बना सकते हैं। सिर्फ चपाती पफर नहीं है फुलाने के लिए, वो आप अलग से फुला सकते हैं या इसी तवे के ऊपर भी फुला सकते हैं। बेसिकली होटल में जैसे होता है ना, 20-25 रूम का आपका होटल होता है, तो उसके हिसाब से ये काफ़ी एक सफिशियंट आपके लिए प्लेट रहने वाली है। 3 फिट के अराउंड आपकी स्पेस है इस हॉट प्लेट का। साथ में यहाँ पे वर्क टेबल है, अंडर स्टोरेज है, अंडर स्टोरेज वगैरह सामान वगैरह रख सकते हैं। इसमें 2 अंडर शेल्फ इसलिए नहीं दी क्योंकि बड़े पतीले वगैरह कुछ रखने हो तो वो यहाँ पे आपके इजीली रख सकते हैं। और यहाँ पे अपना जो कटिंग चॉपिंग वगैरह का जो सामान, मतलब जो डोसा बैटर वगैरह और कुछ सामान है वो रख सकते हैं। इधर आप आएंगे तो यहाँ पे एक सिंगल बर्नर चाइनीज रेंज मिलने वाले, जिसका साथ में आपको एक वाटर टैप का कनेक्शन भी आ जाएगा, जहाँ पे आपको बनाते वक्त कुकिंग के टाइम पे जैसे चाइनीज़ के अंदर ज़रूरत होती है पानी की, तो वो यहाँ से कवर अप हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो सामान उसको रखना है वो यहाँ पे भी रख लेगा, और थोड़ा उधर भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये बड़े साइज़ की टेबल रहने वाली है। और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आएंगे तो हमारा जो है ये सिंक टेबल रहने वाला। सिंक टेबल के अंदर में भी हमारे पास अंडर स्टोरेज शेल्फ आ जाएगी, जिसके अंदर हमें कुछ सामान वगैरह रखना है तो वो इजीली हम यहाँ पे रख सकते हैं। और ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे वी बना हुआ है, ताकि जो पानी है, जो ड्रेन है, वो बाहर ना गिरे, टेबल के बाहर ना गिरे, तो इसके लिए यहाँ पे वी बना हुआ है ताकि ये सामान वगैरह जो पानी है वो ड्रॉप आउट बाहर ना हो। और इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारी 3 बर्नर इंडियन कुकिंग रेंज आएगी, जिसके हर के 7 बर्नर के साथ आपको पायलट बर्नर कंट्रोल मिलेगा। ये जो ब्लैक वाला है ये पायलट बर्नर है। बेसिकली जब हम कुक कर रहे होते हैं तो बार बार हमें कभी कभार जैसे ऑर्डर आता है तो इसके हिसाब से बनाना होता है, तो ये पायलट हमेशा स्लोली चलता रहता है। और बार बार आप रेंज जब बर्नर खोलेंगे तो आपको उसके लिए माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके लिए, तो इसका ये मेन बेनिफिट ये होता है आपका। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक वर्क टेबल आपकी आ जाएगी, जिसके अंदर हमारा जो सपोर्टिंग सामान है, इसका जो कुकिंग वाले को चाहिए होगा वो यहाँ पे आपका काम आ जाएगा। और यहाँ पे अंडर स्टोरेज आ जाएगी, 2 अंडर शेल्फ है, तो इसके अंदर आप सामान ज़्यादा स्टोर कर सकते हो। नीचे भी यहाँ पे भी आप देखेंगे इंडियन के नीचे भी आपको अंडर स्टोरेज शेल्फ मिलेगी, और साथ में यहाँ पे जो है क्लीनिंग के लिए आपको साथ में डिप ट्रे भी मिलने वाली है, ताकि आपका जो भी सामान इसके ऊपर से कुछ नीचे गिर रहा है तो वो इसके अंदर आ जाएगा, और इसके बाद आप यहाँ से ईजिली क्लीन कर सकते हैं इसको। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमारा चारकोल का तंदूर रहने वाला है, ये 2.5x2 का साइज रहने वाला है। इसके अंदर आप देखेंगे जो हमने आउटर रिंग दिया हुआ है ये बेसिकली MS का रहने वाला है, जिसकी वजह से आपकी जो मिट्टी है, जो तंदूर की मिट्टी है, वो नहीं कभी ख़राब होगी। इससे आपकी लाइफ भी बढ़ जाती है। और जो ये तंदूर भी है ये 3 लेयर इंसुलेशन वाले रहने वाला है, सिंगल लेयर इंसुलेशन नहीं है, इसके अंदर डबल बॉडी में है और इसके अंदर 3 टाइप की इंसुलेशन हो रखी है। इसी के साथ में आप देखेंगे ये वर्क टेबल आ जाएगी इसकी, जिसके अंदर अपना जो रोटी वगैरह बना रहा है उसके लिए, तपाई के लिए यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे स्टोरेज के लिए आ जाएगा, जो पतीले में बना के मैदा गूंद के रखा होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। बगल में देखेंगे यहाँ पे हमारा जो है ये क्लीन डिश रैक रहने वाला है, जिसमें हमारी जो डिश धुलने के बाद जो बर्तन यहाँ पे हमारे 2 सिंक के अंदर वॉश हो गए, वॉश होने के बाद यहाँ पे हमारे सारे लग जाएंगे, रैक हो जाएंगे इसके बाद, और यहाँ से सीधा अपना आउट निकल जाएंगे। तो ये क्लीन डिश रैक है। और इसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे हमारा जो है ये सारा स्टोरेज के MS के रैक मिलने वाले हैं। ये बेसिकली लोहे के हैं, माइल्ड स्टील कहते हैं इसको, और ये स्लॉटेड एंगल के अंदर रहते हैं। ये आप देखेंगे इसको आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो, हर शेल्फ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कुछ सामान बड़ा है या छोटा है तो उसके हिसाब से आप इसको शेल्फ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये 2 आपके MS स्टोरेज रैक रहने वाले हैं, जिसमें आप ड्राई स्टोरेज वगैरह अपनी रख सकते हैं। और ये सारे हुड्स हैं, ये जो पीछे कुकिंग रेंजेस लगे हुए हैं हमारी, इन्हीं के सभी के ये हुड्स रहने वाले हैं, एग्जॉस्ट हुड जो रहने वाले हैं, ये आपका वहीं पे जाके इंस्टॉल होगा, जब डक्ट लगेगी उसके हिसाब से ये सारे इंस्टॉल होगा। थोड़ा मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ, जैसे इसके फिल्टर वगैरह सारे आप देखेंगे सारे SS के रहने वाले हैं, तो टोटली SS के अंदर बना हुआ। और अंदर आप देखेंगे इसके अंदर लाइट लगी हुई है, जिससे आपका जब आप काम कुक कर रहे हैं तो आपको जो है रोशनी सफिशियंट रहेगी, आपको काम करते हुए कोई दिक्कत वगैरह नहीं आने वाली है। अब मैं थोड़ा आपको लेआउट वगैरह भी समझा देता हूँ। इसके अंदर कुछ आइटम जो मिस आउट है, जैसे कि इसके अंदर आप देखेंगे एक अंडर काउंटर है वो आपका मिस रहने वाला, और डीप फ्रीजर मिस रहने वाला है। बेसिकली वो वहाँ पे उनके पास ऑलरेडी हैं पड़े, और कुछ वर्क टेबल्स हैं जो हमारे बाद में ऐड ऑन होंगे, तो वो साइज़ के हिसाब से भी, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एरिया थोड़ा स्पेस बचा हुआ है,
यहाँ पे स्पेस हमारा जो बचा हुआ है ये काफी थोड़ा, अभी बजट उनका थोड़ा उसके हिसाब से था, तो उसके हिसाब से अभी हमने लेआउट करा हुआ रेडी, तो टेबल्स वगैरह बाद में इसके अंदर लगेंगे। ये बेसिक किचन का लेआउट रहने वाला है। इसके बाद हम लोग जो लेआउट प्रोवाइड करते हैं ये इलेक्ट्रिकल का लेआउट है। इसके अंदर हम उनको बताते हैं कि कितने हाइट पे कहाँ पे स्विचेस लगेंगे, कितनी दूरी पे लगेगा, ये सारा इसके अंदर हम प्रोवाइड लगा बताते हैं, और कितने एम्पेयर का लगेगा। तो इसकी वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वो कनेक्शन जो है वो वेस्ट मतलब ख़राब नहीं होते, आप अपना आसानी से काम वगैरह जब आप काम कर रहे होते तो स्मूथली कर सकते हो। इसके बाद आप ये देखेंगे गैस कनेक्शन का लेआउट है कि गैस का जो पॉइंट्स हैं वो कैसे निकलेंगे, कितनी दूरी पे निकलेंगे, कहाँ पे लगेगा आपका, कितनी हाइट पे रहेगा, ये सारे इसके अंदर हम लोगों ने बताया होता है। और इसके बाद जब हम चलेंगे अगले पे तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारे वाटर के टैप का पॉइंट रहेगा, कितना दूरी पे कितने वॉल से कितना दूरी पे रहेगा, कितना हाइट रहेगा वाटर टैप की हाइट का, तो ये सारा इसके अंदर बताया होता है। ऐसे ही टू सिंक यूनिट है, इसमें भी सेम यहाँ पे कितना गैप रहेगा, इस वॉल से वॉल कितना दूरी रहेगा और दोनों टैप के बीच में कितना गैप रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे आप ये देखेंगे पॉट वॉश का एरिया बना, तो ये पॉट वॉश का है। और एक डिज़ाइन एक लेआउट और होता है जो है वेंटिलेशन का, वो हम लोग उनको प्रोवाइड कर चुके हैं, मैं लेके आना भूल गया इसके साथ, तो वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये टोटल एक सेटअप है, छोटा सा सेटअप है जिसके अंदर मतलब 20 जो रूम्स वगैरह रहने वाले हैं और छोटा सा एक रेस्टोरेंट रहने वाला है, तो उसके हिसाब से ये सारा एक पूरा किचन डिज़ाइन किया हुआ है। तो वॉच आप आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक करके जाइएगा अगर अच्छी वीडियो लगी हो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अखिल इंडस्ट्रीज, गुड बाय।